पानी नहीं है तो कहता हूँ कछु नहीं है। वर्षा भी कम हो रही है पहले की अपेक्षा, तो पहले कुएं में पानी रहता था, इसके पानी भरा रहता था नदी में, अब नदी सूख जाती है तो पूरे कुएं भी सूख जाते हैं। With climate change, rainfall patterns are expected to get more erratic, making the problem of water scarcity even more pronounced. पहले बारिश होती थी वो समय से होती थी, लॉन्ग ड्यूरेशन तक जाती थी, लेकिन अब जो बारिश हो रही है वो शॉर्ट ड्यूरेशन में हो जाती है और हेवी रेन हो जाती है। वर्षा के पानी है वेस्ट चले जाते हैं, उसको हम कंजर्व नहीं कर पाते हैं। जमाने में क्या करते थे किसान लोग, जहाँ से पानी बहता था खेतों में उसको एक जगह रोक के बंदी बना लेते थे। अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट 5 decades लोकल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हैज नॉट पेड मच अटेंशन टू द प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ दीज ट्रेडिशनल वाटर सोर्सेज। मोर ओवर unsustainable irrigation practices have reduced groundwater tables to precariously low levels. प्रशिक्षण कार्यक्रम दो तरह से मदद करता है, एक तो पानी रोकना और एक सॉइल इरोजन को रोकना। ये पानी जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है और अपने साथ कई सारी गुणवत्तापूर्ण चीजों को लेता हुआ नीचे चला आता है, तो इस चीज को रोकना ही रिस्ट वैली है, यानी कि ऊपरी उपचार से लेकर के उसके नीचे के उपचार तक। Over the last 30 years, development alternatives has facilitated the construction एक तो जो बरसात का पानी जो निकल जाता नालों द्वारा वो रुका है, और पानी रोकने से वाटर लेवल बढ़ा है कुओं का, जो आसपास कुएं हैं किसानों के उनका वाटर लेवल बढ़ा है। जब पहले हमको ये फायदा हुआ कि जब पूरी जमीन पड़ी रहती उसमें कुछ नहीं होता, और जबकि आज हमारे यहाँ से 1 किलोमीटर दूर यहाँ हम लोग खेती करने लगे। These watershed management programs have helped prevent soil runoff, regenerate natural vegetation, as well as harvest rainwater and recharge groundwater, creating sustainable livelihoods for rural communities. जब पानी मिला किसानों के लिए तो उनकी पैदावार हुई है, खेतों में विकास हुआ है उनका, तो उन्हें पलायन करना जो बाहर जाते थे काम के लिए उनका उसमें फर्क आया है, अब नहीं जाते हैं वो बाहर, अपने ही अपना वो काम करते हैं, गुजारा करते हैं खेती से। Along with scientific planning, community participation has been integral to our watershed management approach. Watershed committee में हर वर्ग हर समाज के व्यक्तियों को का प्रतिनिधित्व हो इस बात का ख्याल रखा जाता है। कमेटी का जब गठन हो जाता है इसके उपरांत एक बृहद स्तर की गांव में बैठक होती है, वहां पे जो लोग आते हैं तो वो एक प्लान करते ही योजना बनाते हैं कि हम अपने गांव में वाटरशेड से संबंधित कौन कौन से कार्य करने हैं और कहाँ पे ये कार्य उपयोगी हैं। With the potential impacts of climate change bearing down on this fragile region, conserving water resources will become even more crucial for the future.